वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको मैं बता दूँ, आज बरेली में इस्लामिया के अंदर उर्स है। उर्स तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये इस्लाम धर्म में जो पीर होते थे उनके मज़ारों पर उर्स लगती थी, यानी उनके जो पुण्यतिथि थी उन पर उर्स लगती हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आज मैं आपको बता दूँ, आज मैं ड्यूटी पे लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो कैंसिल हो गई है और दिल्ली जा रहा हूँ फ़िलहाल मैं। हालांकि इतनी लग्जरी गाड़ी वो नहीं है, है वो भी एसी, लेकिन वो 3x2 है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ उर्स का नज़ारा, जो चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। राज, आपको बता दूँ, भीड़ भाड़ के अलावा यहाँ पर बहुत तरीके की ठेले भी लगते हैं और बहुत सारी दुकानें भी लगते हैं। लोग खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज उड़ाते हैं। और साथ में ये देखिए आप, सब कुछ मतलब यहाँ आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिल रही है, सोन पापड़ी, मिठाइयों की दुकान, पकौड़े। और बिल्कुल मतलब भीड़ भाड़ के साथ साथ इतना बड़ा मेला के टाइप का ये लगा होता है, आप तो ये देख ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और आपको दिखाते हैं। आपको हर रोड पे ऐसे ही आपको भीड़ मिलेगी, और जिनके पास पास है केवल उसी को इधर साइड में एंट्री है, वरना एंट्री किसी की नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है, आपको दिखा सकता हूँ। ये तो अभी रोड की मामला है, और चलिए आगे दिखाते हैं आपको। लेकिन गाइस, ये बहुत गलत बात हुई है। ये देखिए पूरे बैरियर तोड़ दिए गए हैं पुलिस के, और सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। कितनी भीड़ इकट्ठा करके सब इधर मचा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे लोगों को चोट लग जाती है। चलो गाइस, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन लोगों को अपना अपना काम करने देते हैं। चलिए फिर गाइस, मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर की तरफ। ये मेन गली है आला हजरत के मज़ार की, और आपको मैं बता दूँ कितने तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है। मैंने अभी तो आपको दिखाया ही, ये इस्लामिया इंटर कॉलेज बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि इतने दूर दूर से लोग आए हैं। और आपको मैं बता दूँ, स्टेट और कंट्री दोनों बंद होने के बावजूद भी इतने लोग जमा हुए हैं। अगर सोचिए अगर खुला होता तो कितना होता। दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी लंबी और कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सजदा करने आए हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे वाहन आए हुए हैं, और ये फील्ड इतनी बड़ी है फिर भी खचाखच भरी हुई है। और लोगों की बात की जाए तो लोग तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैं। और आपको मैं बता दूं, सामने से मेरे फ्रेंड आ रहे हैं और बड़ी मुस्कुराते हुए। चलो बाद में मिलते हैं हम लोग वीडियो बना के, ठीक है? और ये देखिए, आपको मैं दिखा दूँ पुलिस प्रशासन द्वारा कितना अच्छा काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने सब भीड़ को इकट्ठा करके अलग तरीके से रख रखा है, और जिसके पास पास नहीं है उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, यानी पास पहले लाना अनिवार्य था। और इन भीड़ को इकट्ठा करने का काम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ है। आपको दिखा दूं, हर रोड पे यही हालत है, कहीं भी ऐसा नहीं है जो खाली हो, सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। और फिलहाल तो इधर उधर चली रही है, लेकिन सारी गलियां ब्लॉक हो रखी हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन ने कैसे रोकथाम कर रखा है बैरियर के द्वारा, लेकिन सब चाह रहे हैं कि आगे निकल जाएं, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिनके पास पास है केवल उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं ऊपर से, और कितनी ज़्यादा भीड़ है वो तो आप देख ही सकते हो।
हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पैर से चलने की तक की जगह नहीं मिल पा रही है, कैसे निकले ये मैं आपको बता दूं। कैमरा मैंने ऊपर करके लेके चल रहा हूं तो चल पा रहा हूं, नहीं तो मुश्किल ही था शूट करना। इतनी भीड़ है कि पैदल चलना तो मुश्किल, लोग यहाँ बाइक लेके आ रहे हैं, बताइए। हालांकि 3 बज गए हैं और उर्स छूट रहा है, तो सब लोग इकट्ठा होके सब वापस जा रहे हैं। सब भीड़ एकदम से निकल के आई है और मैं आपको दिखा दूँ, एकदम से भगदड़ जैसी मच रही है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन तो लगी है, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग हैं तो हो ही सकता है। चलिए हम लोग बस अड्डे के अंदर चलते हैं और कुछ मौज मस्ती भी किया जाता है जब तक गाड़ी का नंबर नहीं आता है। गजेड़ी नशेड़ी सब बैठे हैं, अपनी सिगरेट दिखाइए, सिगरेट भी है, बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी। अब बताइए, रोडवेज का ये बुरा हाल है कि लोग सिगरेट लेके पी नहीं पा रहे हैं, बताइए क्या होगा इनका नाम? क्या इनका नाम? नाम पूछिए, नाम इनका, नाम पूछिए, इनका नाम बताइए अपना। नाम दे देंगे, भगोड़े भगोड़े नाम है, कोड 786 010 जीरो तो है, हो सकते हैं डबल, लेकिन डबल पंच तो हो ही नहीं सकते। 0078 थोड़ा इधर लेट, थोड़ा इधर लेट। नहीं आप ही बीजिए, आप ही नहीं, आप ही बीजिए। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, हम लोग अब अपनी बस पे चलते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।